हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज हमारी जर्नी पहुंच चुकी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के ऊपर। एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है जो कि आपको बोर्ड के अंदर और नीट के अंदर दोनों ही एग्जाम्स के अंदर आसानी से फोकट के 4 नंबर जो है वो दिला सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, राइट। तो इसकी जो शुरुआत है वो बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी है, वहां से होगी। जैसे हमने दो चार्जेस जिनके बीच के डिस्टेंस बहुत कम हो उनको इलेक्ट्रिक डायपोल कहा था और उसके लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नाम की क्वांटिटी डिफाइन करी थी, वैसे ही हमने पाया कि जो मैग्नेट्स हैं वो भी हमेशा डायपोल की फॉर्म में ही पाई जाती है। मतलब नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। और इवन हम एक लॉ भी पढ़ते हैं जिसको गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म बोला जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी क्लोज्ड लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर के अलोंग अगर इंटीग्रेशन करते हो, मतलब नेट फ्लक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो किसी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला, तो वो हमेशा कितना निकल के आता है? 0। इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि कभी भी मोनोपोल्स जो है वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो अब हमें पता पड़ गया कि यार मैग्नेट्स जो है वो हमेशा डायपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, तो उनके लिए भी हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नाम की क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। अब बार मैग्नेट्स तो आपने सबने देखी हुई होगी और आपको पता भी है कि उनका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह और एक एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो एक बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो बेसिकली स्मॉल एम टाइम्स एल के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर स्मॉल एम एक तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज के कंपैरेटिव क्वांटिटी है, इसको पोल स्ट्रेंथ बोला जाता है, और एल यहां पर दोनों पोल्स के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस है, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट होती है, एक सर्कुलर लूप जो होता है उसकी वजह से भी हमने पिछले चैप्टर में देखा था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो एक छोटा सर्क्युलर लूप भी एक डायपोल की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और अगर आप उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने की कोशिश करोगे तो उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है और अपन ये वाला फॉर्मूला लगा दें। क्यों? क्योंकि उसकी एक फेज अगर आप देखोगे तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी और जस्ट रियर फेज जो है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी। एक से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती हुई दिखाई देगी तो दूसरे से अंदर एंटर करती हुई दिखाई देगी। जिससे बाहर आती हुई दिखाई देगी वो नॉर्थ और जिससे अंदर जाती हुई दिखाई देगी वो साउथ। तो आप बोलोगे सर एक सर्कुलर लूप हमें मैग्नेट की तरह बिहेव तो करता हुआ नजर आ रहा है बट उसके लिए तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। बट डरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारे पास में दूसरा फॉर्मूला अवेलेबल है। एक सर्कुलर लूप का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है अगर आप उसको छोटी बार मैग्नेट से कंपेयर करोगे तो वो एन टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप टाइम्स एरिया वेक्टर के इक्वल होता है। इसकी डायरेक्शन भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करते हुए। इसके अकॉर्डिंग आप अपने हाथ कि उंगलियों के कर्ल को करंट के अलोंग रखो और अंगूठा आपको बता देगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है। आप ऑब्जर्वर अगर लूप को देखोगे और आपको लूप के अंदर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो होती हुई दिखाई देती है तो समझ जाना जो फेज आपको दिखाई दे रहा है वो साउथ पोल है और रियर फेज जो हो जाएगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। और आप जिस फेज को देख रहे हो उसके अंदर अगर करंट आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है तो समझ जाना आप जिस फेस को देख रहे हो वो नॉर्थ पोल है और जो रियर वाला फेस है जो दिखाई नहीं दे रहा आपको वो साउथ पोल है, राइट। और नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर निकलती हुई नजर आनी चाहिए। अब इस फॉर्मूले का एक फायदा ये भी है कि हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का SI यूनिट बड़ी आसानी से देख सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, आई यानी कि एम्पियर और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो एम्पियर टाइम्स मीटर स्क्वायर के इक्वल होती है। इसका कई बार डायमेंशनल फॉर्मूला और ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, राइट। एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। हमें इतना तो पता है कि एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करता है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो किसके इक्वल होती है? हाफ ई वी आर अगर आपको वेलोसिटी और रेडियस दे दी जाए, हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस दे दी जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट है E टाइम्स L डिवाइडेड बाय 2m अगर आपको इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दे दिया जाए। अब आप बोलोगे सर ये एंगुलर मोमेंटम आप कहां से लेके आ गए? क्योंकि हमने आगे जाके पढ़ेंगे, हम आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रखा होगा एटम्स के अंदर
कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है, उसकी वैल्यू हमेशा एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को लिखा जा रहा है ई अपॉन 2m टाइम्स एल, एल की जगह जैसे ही आप एन एच अपॉन 2 पाई रखोगे तो यहाँ पर ये ई एच अपॉन 4 पाई m हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 4 पाई m, इसको करेक्ट कर लो। और यहां पे भी अपन 4 पाई m कर लेते हैं। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि यार जिस तरीके से एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, जैसे जिस तरीके से एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है, कुछ उसी तरीके से उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम वो भी एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होगी। इनफैक्ट n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो उसका क्वांटा भी आपको पता पड़ जाएगा, मतलब वो वैल्यू जिसके इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही आपको इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलेगा, तो उसको बोहर मैग्नेट्रॉन बोला जाता है। इसकी वैल्यू होती है ई एच अपॉन 4 पाई m, ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, 0.923 × 10⁻²⁰। तो आपके लिए तो ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ये रेयरली कभी पूछा जाता है, आप इसको बस केवल और ध्यान रख सकते हो। अब ये फॉर्मूला हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको अदर नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको एक रिंग दे दी गई है और बोला गया है कि उसके ऊपर यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज जो है वो स्प्रेड है और वो रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, या फिर एक डिस्क दे दी गई है या फिर एक स्फेयर दे दिया गया है, जो भी कुछ आप लेना चाहते हो, राइट। तो अब ये हमारा एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बन गया और इसमें हम एंगुलर मोमेंटम की जगह क्या रख सकते हैं? आई इंटू ओमेगा। रोटेशनल डायनेमिक्स याद आ रहा है, वहां पर हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? आई इंटू ओमेगा, एंड आई इज नॉट करंट। अब हम इतना करंट पढ़ रहे हैं, इतना करंट पढ़ रहे हैं कि आई आपको करंट ही याद आ रहा होगा, बट करंट नहीं है, कैपिटल आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो फॉर्मूला हो जाएगा क्यू टाइम्स आई टाइम्स ओमेगा डिवाइडेड बाय 2m। तो रिंग डिस्क वगैरह इन सब का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, राइट। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने बार मैग्नेट देख ली, हमने सर्क्यूलर लूप देख लिया, हमने रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को भी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हुए देख लिया और हमने चार्ज बॉडीज को भी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हुए देख लिया अगर वो रोटेट कर रही है तो। अब हम आते हैं एक बड़े कंडक्टर के ऊपर जो कि है अर्थ। अर्थ भी अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है और ऐसा माना जाता है कि उसकी कोर में निकल और फेरस जैसे मेटल्स जो है वो पिघली हुई अवस्थाओं के अंदर है और उनकी जो करंट्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल है अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। उस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को आप 100% महसूस कर सकते हो अगर आपके पास में एक कंपास रखा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि कंपास है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई निडल रखी हुई होती है और वो निडल जो है वो हमेशा एक फिक्स्ड डायरेक्शन के अंदर जाकर ठहर जाती है। जिस फिक्स्ड डायरेक्शन के अंदर ठहर जाती है उस फिक्स्ड डायरेक्शन के अलोंग अगर आप एक प्लेन ड्रॉ करोगे, प्लेन कैसे ड्रॉ करोगे? आपकी निडल वाला पॉइंट ले लेना, नॉर्थ पोल ले लेना, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोला जाता है, और साउथ पोल ले लेना जिसको मैग्नेटिक साउथ पोल बोला जाता है, राइट। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए जो प्लेन आप ड्रॉ करोगे उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोला जाता है। अब यहां पर आप जानकर चौंक जाओगे कि जो असल में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और असल में जो नॉर्थ पोल है वो दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते। अगर आप अर्थ के सेंटर पर जाकर देखोगे तो लगभग 11 डिग्री के एंगल पर होते हैं ये दोनों एक्सिस। तो मैग्नेट को मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल से मिलाने वाला जो प्लेन है वो तो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है और सेम मैग्नेट को जियोमेट्रिक नॉर्थ पोल और जियोमेट्रिक साउथ पोल से मिलाने वाला जो प्लेन होगा वो जियोमेट्रिक मेरिडियन कहलाएगा और इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो आपको दिख रहा होगा ये लाल कलर से जो प्लेन ड्रॉ किया है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया है वो जियोमेट्रिक मेरिडियन है और उन दोनों के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। और अगर आप मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर फ्रीली छोड़ोगे तो आप 100% कह सकते हो कि वो कौन से वाली प्लेन के अंदर आके रुकेगी? मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर आके रुकेगी। अब अगर आप मैग्नेटिक निडल को वर्टिकली भी मूव करने के लिए फ्री छोड़ देते हो तो आप देखोगे वो वर्टिकली कुछ एंगल या तो झुक जाएगी या फिर कुछ एंगल उठ जाएगी और अगर आप एग्जैक्टली इक्वेटर पर हो तब वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रहेगी। तो यहां से आपको पता चलता है कि यार अर्थ की जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो उस डायरेक्शन में नहीं है जिस डायरेक्शन में हमारे हॉरिजॉन्टल कंपास की निडल जो है आकर ठहरती है। अगर हॉरिजॉन्टल कंपास में तुम बेस हटा के निडल को वर्टिकल प्लेन के अंदर भी फ्री छोड़ दोगे तो आपको उस निडल के अंदर कुछ डिप होता हुआ नजर आएगा और जितने एंगल से डिप होता हुआ नजर आएगा उसी को एंगल ऑफ
डिप बोला जाता है। तो एंगल ऑफ डिप की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस सेम पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप कहलाता है। तो हमें एंगल ऑफ डिप के बारे में दो तीन चीजें और ध्यान रखनी है। इक्वेटर पे मैंने बताया था नीडल बिल्कुल भी डिप नहीं होती, यानी कि आपका एंगल ऑफ डिप कितना हो जाता है, जीरो। और वहीं आप जब पोल्स पर ले जाओगे तो वो 90 डिग्री डिप हो जाएगी, आइदर प्लस 90 और माइनस 90, या तो 90 झुक जाएगी या फिर 90 उठ जाएगी, राइट। तो पोल्स के ऊपर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी होती है, आइदर प्लस पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2। बीएच जो होगा, हमने वेक्टर्स को पहले भी कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, थीटा की तरफ जो कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, तो बीएच तो बी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। और बीवी जो होगा वो आइदर बी साइन थीटा लिख सकते हो अगर बी दिया हुआ हो तो, या बीएच टेन थीटा लिख सकते हो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है तो। इसके ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मली इन फॉर्मुलास के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। तो अब हमने तरह तरह की मैग्नेट्स देख ली, राइट। वापस से छोटे मैग्नेट्स के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ मैग्नेटिक नीडल की अपन बात कर रहे थे, इतना रोटेट वगैरह कर रहे थे तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर किसी मैग्नेटिक डायपोल को, यानी कि छोटी मैग्नेटिक नीडल को या बार मैग्नेट को, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ा जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क वर्क करता हुआ नजर आता है जिसकी वैल्यू एम बी साइन थीटा हो जाएगी। आप देखोगे यार ये फॉर्मूला बिल्कुल मैच कर रहा है पी ई साइन थीटा से। यहाँ पे एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, वहां पर पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड और वहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड थी, राइट। तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला आ जाएगा, वैसे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी माइनस एम बी कॉस थीटा, वहां पर माइनस पी ई कॉस थीटा हुआ कर दे, और वर्क डन हो जाएगा एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, वहां पर पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू हुआ करता था। साथ साथ एक ही जगह पर दो काम निपटा रहे हो तुम, राइट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर आप किसी मटीरियल को उठाओगे तो हर मटीरियल का अपना अलग अलग बनावट है। किसी किसी मटीरियल के अंदर आप देखोगे कि जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उसके, हर एटम और हर मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट कितना है, जीरो। तो ओवरऑल आपके मटेरियल का डायपोल मोमेंट भी कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि वो किसी भी तरीके का मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। अब ऐसे मटेरियल को जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो आप देखोगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही ये जो आपका मटीरियल है ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइज हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, यानी कि मटेरियल के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाती है, लेसर हो जाती है, जो आपने अप्लाई करी है मैग्नेटिक फील्ड उसके कंपैरिजन में। तो ऐसा मटेरियल तो कहलाता है डायमैग्नेटिक मटेरियल। वहीं कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनके अंदर ये काम जस्ट उल्टा होता है, जिस तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो उसी डायरेक्शन के अंदर आपके हर एटम और मॉलिक्यूल के जो डायपोल मोमेंट है वो इंक्लाइन हो जाते हैं, ठीक है, अलाइन हो जाते हैं, राइट। और उसकी वजह से आपका मटेरियल बहुत हल्के अमाउंट से सेम डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइज हो जाता है, इसको पैरा मैग्नेटिक मटीरियल कहते हैं। बट पैरा मैग्नेटिक मटीरियल होने के लिए ये जरूरी है कि हर एटम और हर मॉलिक्यूल का जो नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो ना हो। तो अगर हर एटम हर मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है तो डायमैग्नेटिक मटेरियल बनता है, हर एटम या मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट अगर नॉन जीरो होता है तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बनता है। हर एटम और हर मॉलिक्यूल का अगर नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है और साथ ही साथ में बहुत सारे आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होके एक ग्रुप, एक डोमेन बना लेते हैं, डोमेन स्ट्रक्चर के अंदर अगर पाए जाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। उस मटेरियल को बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। केमिस्ट्री में आप फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में भी पढ़ते होंगे। खैर, हम अभी यहाँ पर इन तीन मटेरियल्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो इस कहानी के अंदर जब भी आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो इंटरनली आपके जो एटम्स हैं उनके अंदर या तो डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है और फिर वो अलाइन हो रहा है डायमैग्नेटिक मटेरियल, या ऑलरेडी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स हैं वो अलाइन हो रहे हैं या डोमेन्स जो है वो अलाइन हो रहे हैं। कुल मिला के मटीरियल के अंदर एक तरीके का मैग्नेटाइजेशन जो है वो इंड्यूस हो रहा है। अब उसको हम मेजर करते हैं इस फिजिकल क्वांटिटी से, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इट इज नथिंग बट नेट डायपोल मोमेंट
पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। इसी तरीके से जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करी है उसका कितना हिस्सा इंटरेक्ट कर रहा है इस मटेरियल से, उसको एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको नेट मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू, यानी कि मटेरियल की परमिएबिलिटी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट माइनस आई के इक्वल लिखा जा सकता है। हाँ, तो एच जो है इसको आइदर मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नेट मैग्नेटिक फील्ड, या फिर वैक्यूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, या फिर मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट माइनस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के इक्वल लिखा जा सकता है। कहानी साफ है, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी होगी, और जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपने पढ़ा, जो मैग्नेटाइजेशन हुआ है उसकी वजह से भी होगी, यानी कि एच और आई इन दोनों के कॉम्पोनेंट मिलकर नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इनकी डायमेंशन फॉर्मूला इस तरीके से है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस म्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल मिलेगी। तो आप कोई भी एक फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो, आपको ये सारी की सारी चीजें ध्यान में जाएगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी आई और एच का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, जाय, अपन इसको एक्स बोल लेंगे, राइट, बोलने में कठिनाई होती है। और रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, म्यू अपॉन म्यू नॉट, जैसे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था, और वन प्लस जाय के इक्वल हो जाएगा, वन प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगा, राइट। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन चारों चीजों को एक बार आप दिमाग के अंदर फीड करके चलो, और जो मैंने आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बताया था उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलो। अपन फटाफट से इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, राइट। सबसे पहले देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स। सब्सटेंस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगे, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैंने बताया था डायमैग्नेटिक मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी कि मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कम होती है बाहर के कंपैरिजन में। तो देखो बाहर के कंपैरिजन में मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो दूर दूर हो गई। इसका जो परफेक्ट केस होता है ना डायमैग्नेटिक मटेरियल का, वो होता है सुपर कंडक्टर, उसमें इतनी दूर दूर हो जाती है कि सुपर कंडक्टर के अंदर से गुजरती ही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इससे भी पहले अगर आप एक केस रखना चाहते हो तो सुपर कंडक्टर रख सकते हो, इसका एक्सट्रीम, और एक तरीके से फेरोमैग्नेटिक को इसका एक्सट्रीम मान सकते हो, राइट। यहाँ पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल सेम डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइज होता है, इसलिए मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास पास आ जाती है, और फेरोमैग्नेटिक के अंदर और स्ट्रांगली ये काम होता है, तो लगभग सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से पास होने लग जाती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से पास होने लग जाती है। आई एच कर्व अगर आप देखोगे तो इसके लिए आई की जो वैल्यू है बहुत कम होती है, बहुत वीक मैग्नेटाइजेशन होगा, नेगेटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, और लगभग मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसमें आई स्मॉल होगा बट पॉजिटिव होगा, ठीक है, और लीनियरली इंक्रीज होगा। इसमें बहुत ज़्यादा होता है आई की वैल्यू, बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होता है, पॉजिटिव होता है और नॉन लीनियरली इंक्रीज होता है, बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, राइट। नेक्स्ट, अगर आप इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है उसको टेम्परेचर के साथ वेरी होते हुए देखोगे, तो ध्यान रखना डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है, राइट। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वापस से रेंडमाइजेशन इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, और रेंडमाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से जो आपने अलाइनमेंट करा था मेहनत से वो वापस से डी अलाइन हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, ससेप्टिबिलिटी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नजर आती है, इसको क्यूरीज लॉ बोला जाता है, तो ग्राफ इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसा हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुछ टाइम तक तो आप देखोगे कि कोई असर ही नहीं पड़ेगा ससेप्टिबिलिटी के ऊपर, क्यों, क्योंकि डोमेन्स जो है वो बने हुए थे और वो टूटना चालू होंगे, और जब सारे डोमेन्स टूट चुके होंगे तो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो गया तो फिर वो क्यूरीज लॉ को फॉलो करेगा। इसको वीज ने बताया था हमें, इसलिए इसको क्यूरी वीज लॉ बोला जाता है, क्यूरी वाइज लॉ भी बोलते हैं को इसको, राइट। तो बेसिकली इसके लिए जो एक्सएम है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर माइनस टीसी, एंड टीसी इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, इट इज दी टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटीरियल कन्वर्ट्स इनटू
a paramagnetic material and after that it follows the Curie-Weiss law, right? इसके लिए जो mu r होता है, ठीक है, वो हमेशा less than one होता है, zero से तो बड़ा होगा but less than one होगा diamagnetic material के लिए. इसमें वन से हल्का सा बड़ा और टू से छोटा ही होगा, मतलब हल्का सा बड़ा होगा वन से, और इसमें वेरी वेरी ग्रेटर देन वन होता है. क्यों आप पूछोगे, तो इसका आंसर मिलेगा आपको जाय के अंदर, एक्स के अंदर. इसके लिए ठीक है, अपन एक बार यहीं पर कवर कर लेते हैं यहाँ पे, वन सेकेंड. ये जो जाय है इसकी वैल्यू सुपर कंडक्टर्स के लिए, ठीक है, अगर आप सुपर कंडक्टर्स के लिए देखोगे तो इसकी वैल्यू परफेक्टली माइनस वन होती है, मतलब आप परफेक्टली अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइज कर देते हो सुपर कंडक्टर के अंदर, राइट. फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये माइनस वन से जीरो के बीच में होगी, मतलब स्टिल नेगेटिव होगी. फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वन से लेके जीरो तक हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव होगी जीरो से लेके वन तक, राइट. इसको यूं लिख लो जीरो टू वन, ठीक है. और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये क्या होती है, ग्रेटर देन वन हो जाती है, ठीक है. फिर अगेन मैंने उल्टा लिख दिया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो एक्स है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन वन हो जाती है. तो अब आपको इसका आंसर मिल जाएगा. आपको पता है म्यू आर किसके इक्वल होता है, वन प्लस एक्स के इक्वल होता है. सबसे पहले सुपर कंडक्टर की बात करते हैं. सुपर कंडक्टर के लिए एक्स की वैल्यू है माइनस वन, तो वन माइनस वन म्यू आर कितना हो जाएगा, इसके लिए जीरो हो जाएगा. इसीलिए ध्यान रखना इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं होती. म्यू आर एक तरीके का इंडिकेशन है कि मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है. डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जीरो से माइनस वन, माइनस वन से जीरो मतलब नेगेटिव है, तो यहाँ पे वन से छोटा नंबर है बट नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली म्यू आर जो होगा वो लेस देन वन हो जाएगा, होगा तो पॉजिटिव बट लेस देन वन होगा. पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर जो होगा वो ग्रेटर देन वन हो जाएगा, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर वेरी वेरी ग्रेटर देन. इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है, इसके ऊपर और इनफैक्ट के ऊपर. तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखो, चीजें ध्यान रखो, और आसानी से आप इन सारी चीजों को कर सकते हो. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम, तो इसमें एटम्स के पास में कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, इसमें एटम्स के पास एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है बट वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं वो डोमेन्स बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं. बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमेशा ध्यान रखना डाया मैग्नेटिक मटीरियल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव होते हैं, एक तरीके से रिपेल हो रहे हैं. भाई अगर अट्रैक्ट होते तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाते, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, रिपेल होंगे तो स्ट्रॉन्ग से कहाँ आते हैं, वीक की तरफ आते हैं. जबकि ये वीक फोर्स मतलब बहुत कम होंगे बट जाएंगे वीक से किसकी तरफ, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे, और ये बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हुए वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे, राइट. तो ये जो डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम्स को आप सीधे सीधे ध्यान में रख सकते हो. बेसिकली इसको रिपेल करवाना है, इसको हल्के फोर्स से अट्रैक्ट करवाना है, इसको बहुत ही ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करवाना है नॉर्थ और साउथ पोल से, राइट. और ये कुछ ऐसा कैसा केस इनके साथ भी दिखाई दे सकता है, राइट. नेक्स्ट केस देखते हैं, अगर आप इन मटीरियल की बनी हुई रॉड को इस तरीके से नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में लटकाने की कोशिश करोगे तो रिपल्शन होने की वजह से ये तो क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली अलाइन हो जाएगी, और ये अलोंग अलाइन हो जाएगी, और ये बहुत स्ट्रॉन्गली अलोंग अलाइन हो जाएगी, राइट. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वैल्यू एम इज वेरी लेस एंड अपोजिट टू एच, ऑब्वियसली वैल्यू एम इज वेरी लो बट स्टिल इन डायरेक्शन ऑफ एच, एम इज वेरी हाई एंड स्टिल इन डायरेक्शन ऑफ एच. एग्जाम्पल्स जरूर ध्यान रख लेना, बी आई सी यू ए जी पी बी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए किसके मटीरियल हैं, ये सारे के सारे डायमैग्नेटिक मटीरियल है. एच टू ओ वाटर ध्यान रख लेना, डायमैग्नेटिक मटीरियल है. सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एम एन एस एन पी टी ए एल, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पैरामैग्नेटिक मटीरियल हैं. और फेरस कोबाल्ट निकल, ये सारे के सारे जो नॉर्मली मैग्नेट्स बनाने के काम में आते हैं मटीरियल, या जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, राइट, वो सारे के सारे क्या हैं, आपके फेरोमैग्नेटिक मटीरियल. तो ये जो कंपैरिजन अपनों ने बनाया है इस टेबल के अंदर, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब अगर आप किसी मटेरियल को, खासकर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करोगे और डीमैग्नेटाइज करोगे, तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको हिस्टेरेसिस कहा जाता है वो होता हुआ नजर आएगा. क्या होगा, जब आप
जीरो से स्टार्ट करोगे, कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं किया, जैसे आप मैग्नेटाइजेशन करना स्टार्ट करोगे तो धीरे 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 मैग्नेटाइजेशन होना स्टार्ट होगा और एक लेवल पर आकर आपका सेचुरेशन मिलेगा आपको। कहने का मतलब है कि मटेरियल के अंदर जितने भी रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड डायपोल्स हैं या डोमेन्स हैं, वो सारे के सारे धीरे धीरे एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होना चालू कर देंगे, और जब सारे के सारे अलाइन हो चुके होंगे उसके बाद में आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा भी लोगे तो फिर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सैचुरेशन आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है उसको कम करना स्टार्ट करोगे तो वापस से डी अलाइनमेंट होना चालू होगा, बट डी अलाइनमेंट होते 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 जैसे आप पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड हटा लोगे एक्सटर्नली जो आपने अप्लाई करी थी, तो आप देखोगे कि यार कुछ मैग्नेटिक डायपोल्स जो है वो अभी भी अपनी जो मेमोरी है उसको भूले नहीं है और अभी भी अलाइंड है एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कुछ मैग्नेटिज्म आपको बचता हुआ दिखाई देगा। इसी को बोला जाता है रिटेंटिविटी, रिटेन कर रहे हैं ये मैग्नेटाइजेशन। अब इस रिटेन्ड मैग्नेटाइजेशन को अगर आपको खत्म करना है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करना पड़ेगा। तो आपने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया और एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आप देखोगे कि सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोल जो है वो वापस से डीमैग्नेटाइज डीअलाइन हो चुके हैं। इसके लिए आपको जो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ी, इसको बोला जाता है कोअर्सिविटी। डायरेक्ट नाम ध्यान रख लो, ये रिटेंटिविटी और ये कोअर्सिविटी। फिर आप वापस से अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर रहे हो, फिर हटा रहे हो, फिर रिटेंटिविटी आ गई, फिर उसको हटाने के लिए वापस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा और इसको हिस्टेरेसिस कर्व बोला जाता है। ये हिस्टेरेसिस कर्व जो है ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। एक तो इसका जो एरिया है ये हमें प्रोवाइड करवाता है उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने का जो एक साइकिल है उसके अंदर कितनी हीट जो है वो लॉस खत्म हो जाएगी, सराउंडिंग के पास चली जाएगी आपके सिस्टम से, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व के प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का मतलब है वो मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के काम में आते हैं, उनकी रिटेंटिविटी लो होती है, उनकी कोअर्सिविटी भी लो होती है और उनके अंदर बहुत ही स्मॉल हिस्टेरेसिस लॉस होता है, यानी कि उनका जो हिस्टेरेसिस कर्व होता है वो बहुत ही पतला होता है। ये सूटेबल होते हैं फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जैसे एग्जाम्पल है सॉफ्ट आयरन, ठीक है, और इनका मैग्नेटिक शील्डिंग के अंदर भी यूज किया जाता है, राइट। तो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ट्रांसफॉर्मर, इनमें हम नॉर्मली एसी अप्लाई करते हैं और इनमें बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होने का काम होता है, राइट। तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, कोई ज्यादा एनर्जी लॉस भी नहीं हो रहा, इसलिए इनको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल कहा जाता है। हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल कौन से होते हैं, जिनकी रिटेंटिविटी हाई होती है, मतलब एक बार आप उनको मैग्नेटाइज कर दो फिर आप हटाने की कोशिश करोगे तो भी हटेगा ही नहीं, राइट। जिनकी कोअर्सिविटी हाई होती है फिर आप हटाने के लिए जोर लगाओगे तो आपको भयंकर वाला जोर लगाना पड़ेगा, और जिनमें हिस्टेरेसिस लॉस बहुत ही ज्यादा होता है। सूटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, जैसे स्टील हो गया, एलनिको हो गया, ये सारे के सारे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सूटेबल मटेरियल है, राइट। आगे समझ में, इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि आपकी क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं और मैं एक टेबल के ऊपर ग्रीन टी शर्ट्स रखे हुए हूँ और एक तरफ रेड टी शर्ट्स रखे हुए हूँ। ग्रीन टी शर्ट का मतलब है एक तरीके से मैग्नेटाइज करना और रेड टी शर्ट का मतलब है दूसरे तरीके से मैग्नेटाइज करना, अपोजिट डायरेक्शन में। अब शुरुआत में सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से टी शर्ट्स पहन रखी है, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। फिर मैं कहूंगा कि सारे के सारे अपनी अपनी टी शर्ट उठाओ और ग्रीन टी शर्ट्स पहन लो। अब सब लोग आएंगे धीरे 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 धीरे, लेकिन जैसे पूरी क्लास ग्रीन टी शर्ट पहन चुकी होगी, सैचुरेशन की कंडीशन आ जाएगी, मैं पूरी की पूरी क्लास को ग्रीन तरीके से मैग्नेटाइज कर चुका हूँ। फिर जैसे मैं क्लास के अंदर बोलूंगा कि यार मुझे तो मेरी ग्रीन टी शर्ट वापस से खोल के दो, टेबल के ऊपर वापस से रखो, यानी कि मैं मैग्नेटाइजेशन हटा रहा हूँ, तो आप देखोगे कि कुछ 4-5 बच्चे जो शैतान बच्चे हैं वो ऐसे होंगे, उनको शक होगा कि यार ये सर वापस से ले लेंगे टी शर्ट अपनों को, हो सकता है लाल वाली भी ना दें। तो पूरी की पूरी क्लास तो रख चुकी होगी, बट वो 7-8 बच्चे ऐसे होंगे जो मना कर देंगे कि सर हम तो नहीं लौटाने वाले, हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है। दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, वो रिटेन कर रहे हैं अपनी ग्रीन टी शर्ट को। अब मुझे उनकी अगर ग्रीन टी शर्ट वापस से लेनी है और टेबल पे रखवानी है तो मुझे उनके 2-4 मुक्के चढ़ने होंगे, मतलब सजा देनी होगी, तब जाके वो मानेंगे। इसको कहा जाता है कोअर्सिविटी, मुझे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाना पड़ रहा है, उनको लालच देना पड़ रहा है, लाल टी शर्ट दिखा दिखा के बार बार ये वो,
और फिर मैं अपोजिट डायरेक्शन में मतलब दोबारा से रेड टी शर्ट पहनने के लिए बोलूंगा, तो धीरे 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 पूरी क्लास रेड टी शर्ट पहनेगी, फिर सेचुरेशन आएगा, फिर खोलने के लिए बोलूंगा, फिर कुछ बच्चे होंगे जिनको शक होगा यार बार बार पहना रहे हैं खुलवा रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा। और इस पूरी की पूरी प्रोसेस में आप ऑब्वियसली क्लास के सारे बच्चे थक जाओगे, यानी कि कुछ हीट जो है वो एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में सराउंडिंग से बाहर चली जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा हार्ड क्लास होगी, जितने ज्यादा शैतान बच्चे होंगे आपकी क्लास के अंदर, यानी कि रिटेंटिविटी जितनी ज्यादा होगी, कोअर्सिविटी जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी, ड्रेन होगी मेरी एनर्जी अगर मैं आपको बार बार ग्रीन रेड टी शर्ट्स पहनाना चाहता हूं तो। फनी एग्जाम्पल है बट आप आसानी से रिलेट कर सकते हो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन को। राइट, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। If number of turns, area and current through a coil given by N, I, A respectively, then its magnetic moment will be. तो सीधा सीधा फॉर्मूला देखा था इसका, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है N into I into A। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें। करंट I is flowing in a conductor conducting circular loop of radius R. It is kept in a magnetic field B which is perpendicular to the plane of circular लूप। तो ऐसा आपका लूप है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो मैंने बताया था जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो, अपर डायरेक्शन में होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड और एम के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। राइट, तो प्लेन ऑफ सर्कुलर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि यार मैग्नेटिक फोर्स तो वैसे भी जीरो होता है, बट अगर यहाँ पर टॉर्क पूछा जाता, आई होप क्वेश्चन में टॉर्क ही होगा, हमारे एडिटर साहब से थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी, तो टॉर्क भी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि एम और बी का एंगल कितना है, जीरो, और टॉर्क की वैल्यू होती है एम बी साइन थीटा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस वेरीज with principal quantum number n। तो हमने देखा था कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो हुआ करता था इलेक्ट्रॉन का, वो n टाइम्स e h डिवाइडेड बाय 4 पाई m के इक्वल हुआ करता था। तो जो m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है किसके, n के। यहाँ पे म्यू लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री From the external magnetic field direction is n। तो एक बार तो तुम 0 से 90 तक लेके जा रहे हो, n times the corresponding work done in turning it for a 60 degree angle। ठीक है ना, तो देखो 90 degree angle घुमाने में जो work करना पड़ेगा वो तो work हो जाएगा m b cos 0 degree minus cos 90 degree। cos 90 की value 0, cos 0 की value 1, कितना आ जाएगा, m भी आ जाएगा। और 60 डिग्री घुमाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो हो जाएगा एम बी कॉस थीटा 1 यानी कि 0 डिग्री, थीटा 2 यानी कि 60 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है 1/2, यानी कि ये हो जाएगा एम बी टाइम्स 1/2, यानी कि 1/2 टाइम्स वर्क डन इन रोटेटिंग थ्रू 90 डिग्री। तो एन की वैल्यू हमें सीधी सीधी कितनी दिखाई दे रही है, 1/2 दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एंगल ऑफ डिप एट टू प्लेन्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट टू प्लेसेस अज्यूमिंग मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज सेम। यानी कि बी एच जो हुआ करता था वो किसके इक्वल हुआ करता था, बी कॉस थीटा के इक्वल हुआ करता था। तो अगर आप 60 डिग्री के ऊपर वैल्यू निकालोगे बी एच एट 30 डिग्री, पहले 30 पे निकाल लेते हैं, एट 30 डिग्री, तो उसकी वैल्यू तो आ जाएगी बी कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू निकालोगे आप 45 डिग्री के ऊपर, तो ये आ जाएगी बी कॉस 45 डिग्री, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। आपसे रेशियो पूछा गया, इफ द एंगल ऑफ डिप ये हो गया, देन द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, तो इन दोनों का रेशियो पूछा गया है बी एच
एट 30 डिग्री एंड बी एच एट 45 डिग्री। रख दो, बी से बी तो कट ही जाएगा, डायरेक्ट रख दो, रूट थ्री बाय टू, ठीक है, और ये उल्टा हो जाएगा, वन रह जाएगा नीचे और रूट टू चला जाएगा ऊपर, ये रूट टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट टू, यानी कि ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, susceptibility of magnetic substance is found to depend on temperature as well as the strength of magnetizing field the material is, तो अगर वो स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रही है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के, ठीक है, तो आपने नोटिस करा होगा कि हमने देखा था एक्स के बीच का, सॉरी आई और एच के बीच का जो ग्राफ था वो डायमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था, मतलब उसमें आई और एच जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के हमने के लिए हमने देखा था कि जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन नहीं होके कर्व्ड था, यानी कि ससेप्टिबिलिटी इस बात के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितनी अप्लाई करी है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होंगे जिनकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी, पैरामैग्नेटिक की भी करती है, बट सेकेंड हिंट मिला हमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करेगी, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। Which of the following statement is correct for diamagnetic materials? तो diamagnetic materials के लिए हमने देखा था कि X जो होता है वो negative होता है, ठीक है, X does not depend on temperature, ठीक है, और X के negative होने की वजह से mu r जो कि 1 plus X होता है वो less than 1 हो जाता है, यानी कि हमारे all of the above सारे के सारे option क्या हो जाएंगे, correct हो जाएंगे, तो हमें option number 4 लगा के आना होगा। Next question, the liquid in the watch glass in the following figure is ferromagnetic, paramagnetic, diamagnetic and non-magnetic, तो इसमें north और south basically एक दूसरे के बहुत पास में है, तो इस condition में जो इस level पर magnetic field होगी वो सबसे ज्यादा strong होगी, तो आप देख रहे हो कि आपका material हालांकि weak section में भी रखा हुआ है but strong वाले section पर आगे इकट्ठा हो गया, तो हमारा material या तो ferro होगा या para होगा, बट अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, बिल्कुल एकदम शार्प एज ना बनती हुई दिखाई जाए, जैसे मैंने आपका डायग्राम में दिखाई दी, ये डायग्राम देखा था ना जैसे अपनों ने, इस डायग्राम के अंदर देखना आप, आपको बिल्कुल शार्प एजेस बनती हुई दिखाई देंगे, ठीक रहे हो, तो अगर ऐसी शार्प एजेस बनती तो हम बोलते हैं ये फेरोमैग्नेटिक है, बट ऐसा नहीं हो रहा तो हम देखेंगे, वैसे एग्जैक्टली डायग्राम भी है आपके पास में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है, हालांकि मैंने टेबल में आपको सारी की सारी चीजें जो है एक साथ बताने की कोशिश करी है, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल आ जाएगा, राइट, वो टेबल के अंदर सारी की सारी चीजें, तो आप उसको ध्यान रख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, दीज बिकम डायमैग्नेटिक एट क्यूरी टेम्परेचर, नहीं क्यूरी टेम्परेचर पर हो पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, दीज बिकम पैरामैग्नेटिक एट क्यूरी टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर टू सही है। थ्री भी पढ़ लेते हैं, दियर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बिकम्स जीरो, नहीं उनकी तो बहुत ज्यादा होती है, इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल, नहीं डोमेन प्रिंसिपल के ऊपर इनकी मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मटीरियल रॉड व्हेन प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अलाइंस इटसेल्फ एट राइट एंगल्स टू मैग्नेटिक फील्ड, द नेचर ऑफ मटीरियल इज डायमैग्नेटिक मटीरियल, राइट, छोटे छोटे क्वेश्चन बट हर बार आता जरूर है इसमें से ऐसा क्वेश्चन, राइट, तो आपके लिए बहुत आसान चीजें हैं। इफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज नेगेटिव 0.004 देन इट्स नेचर विल बी, तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है किसके लिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल के, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, राइट। नेक्स्ट, इफ द रिलेटिव परमीएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज 0.999 यानी कि लेस देन वन, म्यू आर लेस देन वन किसके लिए होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए होता है, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा, राइट। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल एट -73 डिग्री सेल्सियस इज 0.0075 देन इट्स वैल्यू एट -173 डिग्री सेल्सियस विल बी, तो हमने देखा था ससेप्टिबिलिटी जो है
वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बच्चे ये जानते हुए भी क्वेश्चन को गलत करेंगे, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है जो कि केल्विन स्केल के अंदर होता है। तो x2 डिवाइडेड बाय x1 जो हो जाएगा वो t1 डिवाइडेड बाय t2 के इक्वल हो जाएगा। तो -73 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 273 ऐड कर दो। ऐसे ही -173 डिग्री सेल्सियस को आप अगर केल्विन में करना चाहते हो 273 अपनी तरफ से ऐड कर दो। तो इधर से तो बच जाएगा 200 और इधर से बच जाएगा 100। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स x1, और x1 हमें कितना दे रखा है 0.0075, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.015। ऑप्शन नंबर 3 जो वो करेक्ट हो जाना चाहिए। ध्यान रखना यार, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होंगे, आपको उठा के खाना ही होगा, बट उस उठा के खाने के अंदर ही उल्टी मत कर देना, फालतू के कंसेप्ट लगा के छोटी मोटी गलती करके क्वेश्चंस गलत मत कर देना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर, फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर परपेंडिकुलर टू द फील्ड इन नन ऑफ द अबव डायरेक्शन। तो हमने देखा था कि अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो उल्टा काम होता है, स्ट्रॉन्ग अमीर आदमी को छोड़ के गरीब आदमी की तरफ भागती है आपकी डायमैग्नेटिक मटेरियल। राइट, आगे समझ में, स्ट्रॉन्ग से वीक पार्ट की तरफ भागेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज पार्टिकल क्यू इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी, द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज गिवन बाय। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन लिया करते थे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हुआ करता था हाफ ई वी आर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह चार्ज क्यू दे रखा है, पॉइंट चार्ज है, तो कितना हो जाएगा क्यू वी आर टाइम्स हाफ, यानी कि हाफ क्यू वी आर डिवाइडेड बाय टू। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज, तो आपने देखा था सॉफ्ट आयरन जो है वो कैसा होता था आपका आपका जो सॉफ्ट सॉफ्ट आयरन है वो ऐसा मटेरियल हुआ करता था जिसके लिए रिटेंटिविटी की वैल्यू भी कम हुआ करती थी और कोअर्सिविटी की वैल्यू भी कम हुआ करती थी। तो लोअर रिटेंटिविटी होगी एंड हाई लोअर कोअर्सिव फोर्स होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा, पता नहीं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के काम में लेते थे, इसका हिस्टेरेसिस कर्व जो होता था वो बहुत ही पतला हुआ करता था। बहुत पतला होने का मतलब है रिटेंटिविटी भी कम है बेचारे की, कोअर्सिविटी भी कम है, ये आसानी से मैग्नेटाइज भी हो जाता है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाया मैग्नेटिक एटम इज, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाया मैग्नेटिक एटम इज, तो ऑब्वियसली 1 तो हो नहीं सकता, किसके इक्वल होगा, बिटवीन 0 to 1 के इक्वल होगा। अच्छा, लेकिन यहां पर ये पूछा गया है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाया मैग्नेटिक एटम, तो डाया मैग्नेटिक मटीरियल के अंदर हर एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट हुआ करता था वो कितना हुआ करता था, 0, फिर इंड्यूस होता था अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पूरी की पूरी कहानी पता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, वन स्टेबल व्हाइल अदर इज अनस्टेबल, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क वेदर द फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इन ऑल ओरिएंटेशन, नहीं कुछ कुछ ओरिएंटेशन ऐसे होते हैं जिनमें टॉर्क जीरो भी हो जाता है। कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन वन ओरिएंटेशन, कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर अनस्टेबल। तो आपने फॉर्मूला देखा था, इलेक्ट्रिक डायपोल से मैच कर रहा था, इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने दो इक्विलिब्रियम पढ़े थे, 0 डिग्री पर जो होता था वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ करता था और 180 डिग्री पर जो होता था वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ करता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम में तो हो सकता है बट एक स्टेबल होगा और दूसरा पक्का क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इनफैक्ट आप बता सकते हो 0 पर स्टेबल और 180 पर अनस्टेबल होगा। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो हमने देखा था कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो हाफ ई वी आर के इक्वल होता है, वी की जगह आर ओमेगा रख सकते हो,
ये हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है आपको ओमेगा के, ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट ऑफ मास 75 ग्राम इज 9×10⁻¹ एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इफ द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल ऑफ मैग्नेट इज 7.5×10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, देन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल बी। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है पर थोड़ा सा घुमा दिया गया है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट ऑफ मास 75 ग्राम इज 9×10⁻¹। और हमें डेंसिटी दे रखी है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यार डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस चीज के इक्वल हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। बस यहीं पर पकड़ना है आपको। मास आपको दे रखा है 75 ग्राम यानी कि 10⁻³ किलोग्राम, और डेंसिटी आपको दे रखी है 7.5×10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये पॉइंट हटेगा, 1×10 ऊपर चला जाएगा, 75 से 75 कट जाएगा। ये 10⁻³, ये भी ऊपर जाके -3 हो जाएगा, -6, और ये +1 यानी कि 10⁻⁵। ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। अब तो आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकाल ही सकते हो। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, 9×10⁻⁷, और वॉल्यूम कितना है, 10⁻⁵। इसको ऊपर ले जाओगे तो +5 हो जाएगा, 9×10⁻², यानी कि 9/100 यानी कि 0.09। तो ये तो बन गई, खैर 0.09 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। राइट, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर उधर करना है चीजों का, आप आसानी से कर ले जाओगे ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कुलर कॉयल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स ऑफ वायर इज माउंटेड वर्टिकली विद इट्स प्लेन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। स्मॉल मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉयल एंड इट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू 45 डिग्री व्हेन अ करंट इज पास्ड थ्रू द कॉयल। व्हेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स फील्ड इज 0.34×10⁻⁴ टेस्ला द करंट इन कॉयल इज। अगेन दिस क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो कि पढ़ते ही आपकी हालत खराब कर देते हैं, राइट। बट ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको थोड़ा सा जो दिमाग है उसको शांत रख के एक बार जो डेटा दिया हुआ है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे ही आप डेटा कलेक्ट करोगे आपको एक कनेक्शन बनता हुआ नजर आएगा। नहीं विश्वास करते तो इस क्वेश्चन में भी जब आप इसको फर्स्ट रीड करोगे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। अब जैसे जैसे अपन इसके डेटा को कलेक्ट करेंगे ना, अपनों को सारी चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देगी और धीरे धीरे कनेक्शन बनते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले तो हमें एक कॉयल दी हुई है, कॉयल के अंदर करंट पास होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में दम होगा तो वो निडल को छेड़ेगी, परेशान करेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, तो पहले अपन उसको रख लेते हैं। तो हमने मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ इस तरीके से बनाया था, याद आ रहा होगा सबको, ठीक है। और आपने जो कॉयल है उसको इस तरीके से रखा हुआ है कि इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर ही रखा हुआ है। अगर आप किसी निडल को रखते तो वो जो निडल है वो आपको किसके अंदर अलाइन होते हुए दिखाई देती, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर अलाइन होते हुए दिखाई देती। मैंने ये तो बताया था मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब है कि आप कहीं भी कंपास लेके खड़े हो जाओ, सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ झांकेगी, साउथ की तरफ झांकेगी। नॉर्थ, साउथ और सुई, इन तीनों पॉइंट को मिला के जो प्लेन खींचोगे वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। तो जब आप इस कॉयल के अंदर कोई करंट पास नहीं करोगे तब तो ये आपको एग्जैक्टली किससे अलाइन होते हुए, मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल ही दिखाई देगी। बट जैसे ही आप इसके अंदर एक करंट फ्लो करने लगोगे, जैसे सपोज करो आपने इसके अंदर एक करंट फ्लो किया, तो इस कॉयल का खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो इसको इस मैग्नेटिक मेरिडियन से बाहर लेके आ जाएगी। कितना बाहर लेके आ जाएगी, आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो निडल को अलाइन करे हुए था और कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन के अंदर होगा, हॉरिजॉन्टल वाले से 45
45 डिग्री के ऊपर होगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो अगर ये हमारी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉयल है, तो ये जो होगा ये रिजल्टेंट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, और ये किससे, बीएच से 45 डिग्री पर दिखाई देगा। आप इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे भी रख सकते हो बी कॉयल को, तो आप देख रहे हो कि यार ये जो टेन 45 है ये तो किसके इक्वल आता हुआ नजर आ रहा है हमें, बी डिवाइडेड बी कॉयल डिवाइडेड बाय बी एच के बराबर, रेशियो के बराबर आता हुआ नजर आ रहा है। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो सीधा सीधा बी एच किसके इक्वल हो जाएगा, बी कॉयल के इक्वल हो जाएगा। और बी कॉयल जो होता है वो कितना होता है, याद करो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2R के इक्वल होता है। तो I की वैल्यू हो जाएगी बी एच टाइम्स 2R डिवाइडेड बाय म्यू नॉट टाइम्स n। हमें सब की वैल्यू दी हुई है, देखो निकल जाएगा हमारा करंट, बी एच जो है वो हमें दे रखा है 0.34 इंटू 10 रिस टू पावर माइनस 4 इंटू 2, रेडियस हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 रिस टू पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 रिस टू पावर माइनस 7। घबरा मत जाना कि सर फॉर्मूले में 4 पाई नहीं था, यहाँ पे कहाँ से आ गया, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रिस टू पावर माइनस 7। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं हम लोगों, 20, 20 से 20 चला जाएगा, 2 से 4 चला जाएगा, ये 0.34 चला जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे 0.17 आ रहा है नजर, डिवाइडेड बाय पाई नीचे, ये माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6 हो गया, ये माइनस 7 ऊपर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 7 और माइनस 6 प्लस 1 बच जाएगा यानी कि इंटू 10। फिर जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.7 डिवाइडेड बाय पाई, पाई को आप लिख सकते हो 22 डिवाइडेड बाय 7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 7749 पावर 4 यानी कि 11.9 डिवाइडेड बाय 22। अगर आप इसको लगभग 11 मान लोगे तो 11 डिवाइडेड बाय 22 का मतलब हो जाएगा 1/2, तो आपका जो आंसर है वो ऑलमोस्ट कितना आता हुआ नजर आ रहा है आपको, 0.5। अब ऑप्शन में देखो 0.5 के सबसे करीब जो ऑप्शन है वो कितना है, 0.6 एम्पियर है। इनफैक्ट जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना 11.9 डिवाइडेड बाय 22 तो आपको 0.5857 इतना दिखाई देगा, उसको जब आप अप्रोक्सीमेट लिखोगे तो 0.6 एम्पियर लिख सकते हो। तो इस चैप्टर पे भी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो कि अलग ही जगह से कनेक्ट करे जाए, कंसेप्ट्स को मिक्स करे जाए और फिर आपसे पूछे जाए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर अपन आज की वीडियो को कंक्लूड करते हैं। लूप इन शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल, तो अब की बार अपना लूप सर्कुलर नहीं है, एल साइड वाला है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल पीसेज ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट सच दैट बी इज इन प्लेन ऑफ द लूप। तो अगर इसका एरिया बोर्ड से ऐसे बाहर निकल के आ रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के अंदर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। इफ ड्यू टू करंट आई इन ट्राइंगल अ टॉर्क टाओ एक्ट्स ऑन इट, ऑब्वियसली टॉर्क लगेगा, द साइड एल ऑफ द ट्राइंगल इज, तो क्वेश्चन को घुमाया गया है, अगेन डरना नहीं है, जो जो कहा गया है वो करते जाना, रिलेट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप इसके अंदर करंट फ्लो करने लगोगे, ठीक है, इसके अंदर जैसे आप करंट फ्लो करने लगोगे तो ये है तो लूप ही, सर्कुलर नहीं है बट है तो लूप ही, क्लोज लूप ही है, तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मतलब इसका आप चाहो तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला हुआ करता था वो हुआ करता था एन आई ए। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 है, करंट कितनी है आई, एरिया अपन निकालेंगे इसका। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे आप, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये जो हाइट है ये आप कैसे निकालोगे, अपन पहले भी ध्यान दे चुके हैं ये 60 डिग्री है, ये एल डिवाइडेड बाय 2 है, इसको अगर आप एक बार के लिए एच मान लेते हो तो आप देख रहे हो 10 60 डिग्री, इसके इक्वल नजर आ रहा है आपको h डिवाइडेड बाय
एल बाय टू के इक्वल नजर आ रहा है। एन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री, तो रूट थ्री एल बाय टू के इक्वल हो जाएगा एच। ये आप ध्यान भी रख लो, पहले भी बता चुका हूँ आपको, राइट। तो रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू एल, तो और ऑल जो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है वो रूट थ्री बाय फोर टाइम्स एल स्क्वायर के इक्वल होता है। ये इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब जो टॉर्क हुआ करता था वो किसके इक्वल हुआ करता था, एम इंटू बी इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है 90। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोर्ड से बाहर निकल के आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के अंदर है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, एम, एम की वैल्यू रखेंगे अपन रूट थ्री बाय फोर इंटू आई इंटू एल स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड हमने बी दे रखी है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एल स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 टाइम्स टाउ, राइट, 4 को इधर ले जाएंगे टाइम्स टाउ डिवाइडेड बाय रूट थ्री टाइम्स बी टाइम्स आई के इक्वल हो जाएगा, यानी कि लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 टाउ रूट थ्री बी आई पावर 1/2। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4 का जो रूट है ना उसको बाहर निकाल लेंगे तो वो तो आ जाएगा 2, और अंदर रह जाएगा टॉर्क डिवाइडेड बाय रूट थ्री बी आई पावर 1/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है आपको, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 2 टाइम्स टॉर्क डिवाइडेड बाय रूट थ्री टाइम्स बी आई पावर 1/2। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो जैसा कि इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि दिस इज वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर, राइट, वन ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच इट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड दैट अ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, एंड इट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड दैट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, 100% प्रेडिक्ट कर सकते हो आप, राइट। सो आपको बहुत आसानी से ये लगभग 4 नंबर 8 के अंदर दिला सकता है, 1 घंटा और 4 नंबर आपके 100% श्योर हो जाएंगे, इससे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ क्या हो सकती है। सो ईच डे यू आर एंश्योरिंग दैट अ क्वेश्चन और टू दोज विच विल बी आस्क्ड इन नीट 2020, यू आर getting them into your pocket, right? So, हर दिन आपके एक या दो क्वेश्चन आपकी झोली के अंदर जो है समाते जा रहे हैं। आई होप यू आर ऑल्सो फीलिंग लाइक दैट, आई होप आपको वाकई मोस्ट वॉन्टेड सीरीज अगर आप दिल से देख रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा रही होगी। एक बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी तरीका है यार ये पढ़ने का, आपका जो बर्डन है उसको कम करने का, आपके प्रेशर को कम करने का। सो आई होप यू आर फाइंडिंग इट बेनिफिशियल। अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है तो किसी ना किसी तरीके से हमारे WhatsApp चैनल के ऊपर या Telegram के ऊपर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करके मुझ तक ये बात पहुंचा सकते हो। ऑल्सो मैं बुक्स के बारे में कहूंगा, जिनके पास में बुक्स पहुंच चुकी है, बिना पढ़े आपको रिव्यू नहीं देनी, आपको उस बुक को पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वीडियो देखने के बाद में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और आपको मुझे प्लीज़ बताना है कि आपको ब्लू आपको जो मोस्ट वॉन्टेड फिजिक्स बुक है वो कैसी लग रही है। इनफैक्ट मुझे क्या, आपको पूरी दुनिया को बताना है कि यार हाँ वाकई एक क्रिएटिव वर्क जो है वो पहली बार सामने रखा है किसी ने, एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, थैंक यू।